इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह बघेला इंडियन टीवी न्यूज से। आज हम आए हैं और यहाँ पे देखिए किस प्रकार का जाम लगा हुआ है और यहाँ पे डेली का यही काम रहता है और जिलाधिकारी का भी ऑफिस में सारे मजिस्ट्रेट सब लोग यहीं बैठते हैं और यहाँ पे इतना जाम होता है कि डेली लोग परेशान रहते हैं। हाँ भाई साहब, आप क्या करें? मुख्य हाँ तो बताइए क्या यहाँ पर डेली रोजाना का प्रतिदिन का 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम लगा रहता है। अच्छा, अधिकारी और कर्मचारी की गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। अच्छा, और वकीलों की गाड़ियाँ भी रखी रहती हैं। वकील साहब, और वकीलों के साथ भी भी आते हैं, क्लाइंट वगैरह, उनकी गाड़ियाँ रोकी रखी रहती हैं। अच्छा, वकील साहब यहाँ पे तो देख रहे हैं कि वहीं से लेके अभी यहाँ तक पूरा आधा किलोमीटर का जाम है। सीनियर वकील के चैम्बर बन गए हैं और हर चैम्बर में 4-4 वकील लोग चैम्बर के लगते हैं। क्या है कि वकील लोग ज़्यादा के रोड पे बैठ गए हैं और बस अब जाम लगवाते हैं। अतिक्रमण वाले नहीं आते? अतिक्रमण कोई नहीं आता है, आती है तो वकीलों से करवाते हैं काम। अब आप देख रहे होंगे बाइक है तो भाई खड़ी है यहाँ पर, गाड़ी खड़ी यहाँ पे, सब जगह बाइक खड़ी है। ये करने में ये आप सूचना प्रशासन को भेज के प्रशासन को सूचना निकालेगा लोगों को सामने दिखा दें। तो अधिकारी कोई संज्ञान में नहीं देते? तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ललितपुर में कचहरी में यही है कि यहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और जो बाइक है लोग घंटों सामान फंसे रहते हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा गंभीरता से संज्ञान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।